टीम, हम जितने भी यूट्यूबर हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कार्यकलापों से जो भी एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं या जिसके पक्ष में वो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो आपके काम के हों, आपको इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें, आपके फ़ायदे का कुछ हो, आपके परिवार के फ़ायदे का कुछ हो, हमारे देश का उसमें फ़ायदा हो सके। मैं चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कोई ऐसी वीडियोस डालूँ कि अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, अपने टीम मेंबर की एक्टिविटीज़ के माध्यम से सभी लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, कुछ ना कुछ एक मैसेज दे सकूँ, जो वीडियोज़ आपके काम के हों। एटलीस्ट कुछ ऐसी वीडियोस तो मैं नहीं बना रहा कि जो आपको लग रहे बेफजूल है, मैं घर में क्या कर रहा हूँ, मैं कब सो रहा हूँ, मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ, इसमें कोई मैसेज इस तरह की मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि जिसमें मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, है ना। पर्सनल लाइफ को अपने बहुत ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे मैसेज या ऐसे वीडियोज़ बना रहा हूँ कि मैं फिट इंडिया का एक पार्ट बन सकूँ। जब सो मैं रात को, तो मेरे को ये संतोष हो कि मैंने, हाँ, अपने देश के लिए मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, अपने देशवासियों को मैं फिट रखने के लिए, इंस्पायर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें एक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अपने टीम को जितना भी जिम में आते हैं उन लोगों को पुश कर रहा हूँ कि नहीं, आप फिट रहिए, अपने फैमिली को। व्हाट्सएप मेरे यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह या पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे। मैं प्रकाश फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है ड्रीम फिट ब्लॉग। एक नया कंटेंट, एक नया ब्लॉग, एक नया वीडियो लेके आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हो गया हूँ मैं। बडीज, अपने वीडियोस पर जाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को थोड़ा भी इंस्पायर कर पा रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, या मेरा टीम मेंबर का प्रयास आप लोगों को मोटिवेट कर पा रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, जिससे कि मैं इंस्पायर हो सकूं, मैं खुद को मोटिवेट कर सकूं कि हाँ, मैं आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूं, मोटिवेट कर पा रहा हूं, या कुछ काम की वीडियोस डिलीवर कर पा रहा हूं और अच्छी क्वालिटी में अपने वीडियोस में ऐड कर पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए चलते हैं हमारे वीडियोस की तरफ। तो टीम, चलते हैं हमारे आज के मुद्दे की तरफ, जिस पे हम बात करने वाले हैं कि ऐसे वर्कआउट पैटर्न के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, और जिन लोगों ने नहीं भी सुना है उनको घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। नाम है इसका हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। एक नॉर्मल वर्कआउट और HIIT में आपको डिफरेंस भी समझाना चाहूँगा। देखिए, जब हम कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज जिम में परफॉर्म करते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या कार्डियो ट्रेनिंग हो, हम उनको प्रॉपर सेट में करते हैं। हर सेट के बीच में हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, अपने आप को रिकवर करने के लिए, एनर्जी को फर्दर गेन करने के लिए, अपने हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए। बट HIIT में क्या रहता है, यहाँ पर सीरीज़ ऑफ वर्कआउट है, दो से ज़्यादा इसमें वर्कआउट ऐड होते हैं विद मिनिमम टाइम ऑफ इंटरवल। आपका रेस्ट का टाइम बहुत कम होता है, मिनिमम होता है 30 सेकेंड, या उससे भी कम आप ले सकते हो। तो आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है तो आप कम से कम इसमें रेस्ट लीजिए। इसका फ़ायदा होने वाला ये है कि अगर आप रेस्ट कम ले रहे हो और वर्कआउट आपके ज़्यादा है, सीरीज़ वर्कआउट है, तो आप एनर्जी की बहुत ज़्यादा खपत करोगे। आपके पास जो फैट का स्टोरेज है उसको आप एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करोगे। तो धीरे धीरे आपको देखने को ये मिलेगा कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपका जो फैट का परसेंटेज है वो बॉडी में धीरे धीरे कम हो रहा है। आपकी कमर जो पहले इतनी चौड़ी थी, वो धीरे धीरे इतना कम आने में लगी है। आपकी क्वालिटी मसल जो है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगे हैं, क्योंकि फैट परसेंटेज अब धीरे धीरे कम होने लगा है। तो ये एडवांटेज आपको देखने मिलेगा एक नॉर्मल वर्कआउट में और एक HIIT में। आप रेगुलर ना करें इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कैलोरी बर्निंग होती है, नेक्स्ट डे आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, रिकवर नहीं हो पाओगे। तो वीकली आप इसको 1 और 2 टाइम कर सकते हो।
इसके लिए कोई स्पेसिफिकली जगह भी आप ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको जिम में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो या किसी आउटडोर जगह पे भी कर सकते हो जहाँ पे आपके पास जिम के इक्विपमेंट नहीं है, डंबल या मशीनरीज वगैरह नहीं है। आप बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ भी इसको कर सकते हो या फ्री वेट के साथ भी इसको कर सकते हो। चलूँगा अपने जिम में जहाँ पर मेरे टीम मेम्बर आपको दिखाएंगे मेरे द्वारा डिज़ाइन की गई एक HIIT का सैंपल। आप इसको फर्दर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, वर्कआउट अपने हिसाब से डाल सकते हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हों या चाहे कार्डियो के हों। एंड ऑफ द डे हमारा मेन पर्पस कैलोरी बर्निंग का है। जितना आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करोगे उतना आप वेट लॉस करोगे और उतना ही आपकी क्वालिटी मसल ज़्यादा विजिबल हो पाएंगी। तो मेरे यूट्यूब की फैमिली, आपको मैं लेके चलता हूँ अपने जिम की तरफ अभी, जिसका नाम है रिचार्ज फिटनेस क्लब। और डेमो देने के लिए हमारी टीम यहाँ पे उपलब्ध है। अभी संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। HIIT की जो हमने शुरुआत करी है, स्टेप नंबर 1 हमारा आता है स्पिन बाइक, जो कि हमको 100 स्टेप काउंट करने हैं। किरण कर चुकी हैं और अभी वो टी बार कर रही हैं, पूजा भी कर रही हैं स्पिन बाइक। स्पिन बाइक के तुरंत बाद हमको करना है टी बार रोइंग। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कार्डियो के स्टेप करेंगे, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे रोप रोइंग हो, ट्विस्टेड हो, हमको उसके 100 स्टेप करने हैं। और जो भी हम वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे उसके हमको करने हैं 15 रेपिटेशन। टी बार रोइंग के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है डिक्लाइंड बेंच पे सिटअप 15 रेपिटेशन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। डिक्लाइंड बेंच पे सिटअप मारने के बाद अगला स्टेप जो हमारा आता है वो है फ्लैट बेंच प्रेस। हमने यहाँ पे एम्प्टी बारबेल का यूज़ किया हुआ है, आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें वेट ऐड ऑन कर सकते हैं। फ्लैट बेंच प्रेस मारने के बाद अगला स्टेप हमारा है इंक्लाइन बेंच प्रेस, इसके भी हमको 15 रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं। इंक्लाइन बेंच प्रेस करने के बाद अगला स्टेप हमारा आता है शोल्डर प्रेस, जहां पे हमने हैमर मशीन की सहायता ली है। यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के बाद अभी हम चलते हैं बारबेल स्क्वाट की तरफ। 15 रेप करेंगे हम इसके भी। कोई भी वर्कआउट करने में हम जल्दीबाजी ना करें, आराम आराम से परफॉर्म करें। बारबेल स्क्वाट करने के बाद अगले वर्कआउट की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। एक चीज़ आप एक वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी जब कोई भी वर्कआउट चेंज हो रहा है तो हम कोई रेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से इसमें रेस्ट ऐड कर सकते हैं। इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल प्रेस करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो रहेगा ट्विस्टर एब्डोमिन मसल के लिए, इसके हम 100 स्टेप काउंट करेंगे। पूजा यहाँ पे कर रही है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस और किरण कर रही है ट्विस्टर। ट्विस्टर करने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है वो है पैक डेक फ्लाई, 15 रैप हम कंप्लीट करेंगे इसके। जब हम पीछे जाएंगे तो हम मसल को स्ट्रेच करेंगे, जब हम आगे लेके आएंगे अपने हाथ को तो वहाँ पे मसल को स्क्वीज करेंगे, इसलिए वेट इतना ही रखें कि आप दोनों चीज़ें आराम से कर पाएं, वेट के ऊपर आपका कंट्रोल रहे। पैक डेक फ्लाई करने के बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जिसका नाम है लैट पुल डाउन। लेट पुल डाउन के बाद हमारा कार्डियो एक्सरसाइज है, जिसे हम कहेंगे रोप रोइंग। 100 स्टेप काउंट करेंगे हम इसके, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अभी हमारी HIIT का सेशन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है HIIT सेशन की वो है मैनुअल ट्रेडमिल पे 100 स्टेप हम दौड़ लगाएंगे। इस प्रकार हमारा स्पिन बाइक से शुरू हुई HIIT मैनुअल ट्रेडमिल पे आके ख़त्म होती है। यहाँ पे हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ है। एक राउंड खत्म करने के बाद आप कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और ऐसे ही आप 3 से 4 राउंड लगा सकते हैं।
बट इस ये था हमारा आज का HRT सेशन। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, जैसा मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या उसमें संदेश देना चाह रहा हूँ, आप पर्सनली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है। आप अगर अपने हिसाब से चाह रहे हो कि घर में क्या HRT कर सकते हो या जिम में क्या कर सकते हो, तो भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं कि हमारे हिसाब से आप डिज़ाइन कर दीजिए, मैं उसमें ऐड कर। हमारे टीम मेंबर पूजा और किरण का प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज का वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।